हे गाइस, तो अगर आपको भी अपने गेम में मैग्नेटो मोड इंस्टॉल करना है तो वीडियो को पूरा देख लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको मैग्नेटो मोड का इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताऊंगा। इसे इंस्टॉल कैसे करना है, इसे यूज़ कैसे करना है, सब कुछ मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देख लीजिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मॉडिंग वीडियोज़ के लिए। तो बिना देरी किए चलते हैं हमारी पीसी की स्क्रीन पर। तो गाइज, हम आ चुके हैं पीसी की स्क्रीन पर। तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, सिंपली आपने उस लिंक पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आप मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, तो वहां पर आपको इस मॉड फाइल को डाउनलोड कर लेना है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते ही आपको डाउनलोड बटन दिख जाएगा, तो उसे क्लिक करके आपने गूगल ड्राइव से फाइल को डाउनलोड कर लेना है। तो इस फाइल को डाउनलोड करना बहुत ही ईजी है। तो इसे डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली राइट क्लिक कर देना है और एक्सट्रैक्ट फाइल्स पर क्लिक कर देना है। तो ये मॉड एक्सट्रैक्ट होते ही आपको एक फोल्डर मिलेगा जिसे आप ओपन कर लीजिए और यहाँ से इन सारी फाइल्स को आप कॉपी कर लीजिए। तो इन्हें कॉपी करने के बाद आप बैक चले जाइए और GTA Vice City के गेम फोल्डर में पेस्ट कर दीजिए। तो मॉड इंस्टॉल हो चुका है, बहुत ही ईजी था। अब मैं आपको इस मॉड को यूज़ कैसे करना है ये दिखाता हूँ। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ, बहुत से लोग मेरे वीडियोज़ तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब काफ़ी कम लोग करते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब भी कर लो यार, मेरे चैनल पर बहुत सी मॉडिंग वीडियोस आती रहती है, तो आप सब्सक्राइब करोगे तो आपका ही फ़ायदा है। और वीडियो को लाइक भी काफ़ी कम लोग करते हैं, तो लाइक भी कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, क्योंकि चैनल पर ऐसे ही मॉडिंग वीडियोज़ आती रहती है। तो गाइस, हम आ चुके हैं गेम में। तो यहाँ पर आपको मैग्नेट चीज टाइप कर लेनी है, जिसके बाद आप मैग्नेटो में बदल जाओगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक पावर समझा देता हूँ। जब भी आप स्पेस बार होल्ड करोगे तब आप उड़ सकते हो, और WASD कीज़ की मदद से आप मूव कर सकते हो हवा में कुछ इस तरह। तो उड़ते हुए आप जहाँ चाहो जा सकते हो। और यहाँ पर आपको व्हाइट डॉट दिख रहा है जिसकी मदद से आपको एम करना है। तो गाइज, आपको किसी कार को एम करना है और उसके बाद लेफ्ट क्लिक प्रेस कर देनी है, जिसके बाद वो ऑब्जेक्ट दूर चला जाएगा। मतलब अट्रैक्ट करने का उल्टा, रिपेल। तो इस तरह से आप कार्स को रिपेल कर सकते हो। आपको लेफ्ट माउस बटन प्रेस कर देना है तो कार दूर चली जाएगी। और राइट माउस बटन से आपके पास आ जाएगी, आपको होल्ड करना है राइट माउस बटन, यानी कि राइट क्लिक। होल्ड करने के बाद आपके पास आ जाएगी और जब आप छोड़ दोगे तो वो नीचे गिर जाएगी। तो राइट क्लिक होल्ड करने के बाद आपके पास आ जाएगी और लेफ्ट क्लिक प्रेस करते ही दूर चली जाएगी। तो इस तरह से आप कार्स को आराम से फेंक सकते हो। ये बहुत ही कूल फीचर है मैग्नेटो मोड का। तो इस तरह आप किसी खंभे को भी टारगेट कर सकते हो, मेटालिक ऑब्जेक्ट्स को भी। तो और एक कमाल का फीचर मैं आपको दिखाता हूं। तो आपको टैप प्लस लेफ्ट क्लिक प्रेस कर देनी है, जिसके बाद ऐसा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा, तो अट्रैक्ट करता है मेटल ऑब्जेक्ट्स को। तो आप देख सकते हो किस तरह सभी मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स उसके पास जा रहे हैं। इसे आप मेटल अट्रैक्टर भी कह सकते हो। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है इस मॉड का, जिसकी मदद से आप सारे मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर टैप प्लस सी से डिसेबल हो जाता है, तो टैप प्लस सी प्रेस करते ये डिसेबल हो गया। तो यहाँ पर फिर से इनेबल कर दिया टैप प्लस क्लिक से। तो इस तरह से आप इसे इनेबल डिसेबल कर सकते हो। तो गाइस, जब भी इनेबल हो जाएगा तब आपको टैब होल्ड करके रखना है और मूव करना है। तो जिस डायरेक्शन में आप मूव करोगे उसके उल्टा वो मूव करेगा।
तो यहाँ पर मैं लेफ़्ट में मूव हो रहा हूँ तो वो राइट में मूव हो रहा है, और यहाँ पर राइट में मूव हो रहा हूँ तो वो लेफ़्ट में। तो इस तरह से आप इसे मूव कर सकते हो। आपको टैब की होल्ड करके रखनी है और सिंपली मूव करना है। तो अगर आप नीचे आओगे तो ऊपर आएगा, आप लेफ़्ट आओगे तो वो राइट आएगा, राइट से लेफ़्ट, अप से डाउन। तो इस तरह से आप इसे मूव कर सकते हो। टैब प्लस लेफ़्ट क्लिक से इनेबल होता है, टैब प्लस सी से डिसेबल, और टैब प्लस एरो की से मूव हो जाता है। तो गाइस बढ़ते अगले फीचर की तरफ। तो आपको टैब प्लस वी प्रेस कर देना है, जिसके बाद मैग्नेटो की एबिलिटी एक्टिवेट हो जाएगी। तो यहाँ पर एबिलिटी एक्टिवेट हो चुकी है। तो जब भी आप किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट के पास जाओगे तो वो आपसे दूर चला जाएगा, ये रिपेल एबिलिटी है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने टच भी नहीं किया फिर भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स दूर जा रहे हैं। तो ये है रिपेल एबिलिटी, जिसे टैब प्लस वी से इनेबल किया जाता है। और अब आप सी प्रेस कर देना, जिसके बाद एबिलिटी चेंज हो जाएगी। अब यह है फ्रीज एबिलिटी, जिसके बाद मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स अपने जगह पर फ्रीज हो जाएंगे। ये थोड़े से ही रेडियस में काम करता है। तो यहाँ पर सी से फिर से एक बार चेंज कर देते हैं इसको। टैब प्लस वी से इसे इनेबल किया जाता है और सी से मोड चेंज किया जाता है। इसके दो मोड्स है, रिपेल एबिलिटी और फ्रीज एबिलिटी। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस भी पेडेस्ट्रियन के पास मेटेलिक ऑब्जेक्ट है उसे भी आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं पुलिस वाले को कंट्रोल कर रहा हूँ क्योंकि उसके पास मेटेलिक गन है। तो इस तरह आप FBI, SWAT वगैरह को भी कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि उनके पास मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, यानी कि गन। तो बेसिकली सभी मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स को आप कंट्रोल कर सकते हो इस मॉड की मदद से। तो ये बहुत ही कमाल का मॉड था, होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये मॉड पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसे ही मॉडिंग वीडियोज़ आती रहती है। It's hard to breathe, but that's alright.